नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर के एसपी महाविद्यालय तिगरी की एनएसएस छात्र छात्रा इकाई की ओर से ग्राम डुमरी वैरावटी में सेवा शिविर आयोजित किया गया। एनएसएस की ओर से आयोजित शिविर में यातायात जागरूकता अभियान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम अधिकारी ज्योति राजपूत ने शिविर में जानकारी देते हुए कहा कि हमें सड़क पर दाईं ओर चलना चाहिए तथा वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हम दुर्घटना से बच सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर तुकमान सिंह ने कहा कि एनएसएस के शिविर जनता के लिए लाभदायक होते हैं। शिविरों के माध्यम से तरह तरह की जानकारी उन लोगों तक पहुँचाई जाती है जो जानकारियों से अभाव में अनभिज्ञ रह जाते हैं। शिविर के छात्र छात्राओं ने यातायात जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राहुल बंसल एवं आकांक्षा बंसल, संदीप बंसल और अर्पित बंसल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। छात्र छात्राओं ने गांव में भ्रमण करते हुए नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। शिविर में कॉलेज के प्रवक्ता रविंद्र कश्यप, संगीता आरजू, धर्मेंद्र सिंह आदि का सहयोग रहा। के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ हमारे कॉलेज के प्रबंधक श्री राहुल बंसल द्वारा किया गया, जिसमें हमारे छात्र छात्राओं द्वारा ग्राम टोंगरी बैरावटी में सड़क सुरक्षा के नियम के बारे में बताया गया तथा उनको इस बारे में जागरूक किया गया, जिसमें हमारे कॉलेज के स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा। धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।